ग्यारहवीं गाथा है, असारे सार मतिनो सारे च सार दस्सिनो ते सारम नादिगच्छन्ति मिच्छा संकप्प गोचरा। असारे सार मतिनो, असारे असार में सार मतिनो, सार मति रखने वाला, सार बुद्धि रखने वाला, च सार दस्सिनो और सारे सार में असार दस्सिनो, असार के दर्शन करने वाला, ते वे सारम सार एवं सत्य को न अधिगच्छन्ति, नहीं प्राप्त करते, क्योंकि वे मिथ्या संकल्प गोचरा, मिथ्या संकल्प गोचर हैं, मिथ्या संकल्प में रमने वाले हैं। जो मनुष्य असार को सार मानता है और सार को असार के रूप में देखता है, वह मिथ्या विचारों में डूबा व्यक्ति सार नहीं पा सकता। विषय भोग असार हैं, जीवन की सारी उपलब्धियां किसी रूप में हो, चाहे भौतिक हो अभौतिक हो कुछ भी, ये सब क्या हैं? असार हैं, क्योंकि सांसारिक उपलब्धियों से न तो मन की निर्मलता होने वाली है और न ही शांति का अनुभव। बल्कि सावधान न रहे तो इन प्राणी और पदार्थों को पा करके मन में मलिनता होगी, पीड़ा होगी। परंतु जो लोग इन्हीं को सार सत्य और जीवन का फल मानते हैं, तथागत बुद्ध कहते हैं मिथ्या संकल्प गोचरा, वे मिथ्या संकल्प वाले हैं, झूठे विचार वाले हैं। सारे विचारों को त्याग कर और सबसे हटकर अपने आप में लीन होने में मन की स्वच्छता, निर्भयता और गहरी शांति है, यही जीवन का सार है। किंतु जो लोग मानते हैं कि यह असार है, कोई मतलब नहीं है इन सब चीज इनमें, वे मिथ्या संकल्प वाले हैं। तथागत बुद्ध क्या कहते हैं? वे कहते हैं उन्हें सार और सत्य प्राप्त नहीं हो सकता। जब बुद्धि ही उल्टी हो, उनको सार कैसे मिलेगा? यहां से हमको दिल्ली जाना है तो प्रयागराज से दिल्ली पश्चिम है, और हम पूरब की ओर जाने लग जाएं तो नहीं पहुंचेंगे दिल्ली। ऐसे ही विषय भोगों में दुख है, इच्छा वासना दुख है, विषय भोगों से को भोगने से इच्छा बनती, इच्छा से पुनः भोग की इच्छा होती है उसको मिटाने के लिए। अब जिन भोगों को भोगने से इच्छा निर्मित हुई है, उन्हीं भोगों को भोगने से इच्छा की निवृत्ति कैसे होगी? नहीं हो सकती है, उसको त्याग कर ही होने वाली है। इसलिए त्याग से जीवन में सार एवं सत्य मिलता है, ये मिलता है कहना भी एक ढंग है, एक तरीका है। मिलने वाली वस्तुएं छूट जाती हैं, वस्तुतः मनोविकारों का समाप्त हो जाना ही सत्य में स्थित होना है, और इसे ही हम मिलना कह सकते हैं। तथागत बुद्ध का कहना है कि जो सचमुच असार है उसे सार मानना, और जो सार है उसे असार मानना, ऐसे लोगों को सत्य की उपलब्धि नहीं हो सकती है। और इसके ठीक उल्टा भी कहते हैं, सारंच सारतो इत्वा असारंच असारतो ते सारम अधिगच्छन्ति
सम्मा संकप्प गोचरा, सारं सार तो सार को सार इंत्वा जानता है, असारंच असार तो और असार को असार ते वे मनुष्य सम्मा संकप्प गोचरा सम्यक संकल्प वाले सारम अधिगच्छन्ति सत्य प्राप्त करते हैं। जो सार को सार जानता है और असार को सार असार जानता है वह संकल्प सम्यक संकल्प, पिछली गाथा में थी मिथ्या संकल्प गोचरा, यहां पर क्या कह रहे हैं सम्मा संकल्प गोचरा सम्यक संकल्प वाला व्यक्ति सार प्राप्त करता है। जो जैसा है उसको उसी रूप में देखता है। जानते तो हम सब भी हैं कि ये सार है ये असार है, लेकिन उसको गहराई से समझना, तत्वतः समझना और उसमें टिके रह जाना ये बड़ी बात है। निरंतर विषय भोगों में लिप्त आदमी भी कहता है विषय भोग बेकार है। गुरुदेव जी कहा करते थे, गांव का भी एक अनपढ़ आदमी भी कहता था महाराज ये विषय भोग क्या है, दांत की खुजली, दांत को खुजलाओ अच्छा लगता है, बाद में जलन होती है, लेकिन अलग नहीं कर पाता वो अपने को। तो ये समझ जानना अलग है, लेकिन जो हम जानते हैं उसको हम सही ढंग से समझ लें, वैसा हम जीवन निर्मित कर ले जाएं, ये बिल्कुल अलग बात है। जितने भी मत पंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, यदि वे हमको कुछ दे सकते हैं या फिर हम उनसे कुछ ले सकते हैं, एक ही चीज है, क्या? सही समझ। बस शास्त्रों से, मत पंथों से, उपदेष्टाओं से हमें और कुछ मिलने वाला नहीं है या हम कुछ ले नहीं सकते हैं। एक ही चीज हम पा सकते हैं यदि सही ढंग से हम पाना चाहें तो, क्या? सही समझ। और यह सही समझ ही जीवन को परिवर्तित करने में कारण बनने वाली है, और इसके अभाव में जीवन में बदलाव नहीं आएगा, दुख से मुक्ति नहीं होगी। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, सही समझ। बस सद्गुरु विशालदेव की एक पंक्ति है, साखी है, विपरीत समझ विपरीत क्रिया विपरीत सुखाध्यास, ये तीनों छूटे जब ही तब ही दुख का नाश। विपरीत समझ विपरीत क्रिया, गुरुदेव जी कहा करते थे समझ के अनुसार रहनी बनती है, आचरण होता है। एक आदमी की समझ है शराब पीने में आनंद आता है, रहनी क्या होगी, क्रिया क्या होगी, उसके कदम शराब की दुकान की ओर बढ़ जाने वाले हैं, वो शराब खरीदेगा। गाड़ी कमाई जो स्वयं के लिए परिवार के लिए धन को लगाना चाहिए उससे वह शराब खरीदेगा। लेकिन एक दूसरा आदमी की यह समझ शराब से शारीरिक पारिवारिक मानसिक सामाजिक आध्यात्मिक हर दृष्टि से भयंकर नुकसान है, नहीं शराब के पास जाएगा, नहीं पिएगा। समझ है, समझ में परिवर्तन भी होता है। कई ऐसे लोग होते हैं जो शुरू में अनजाने में या किसी कारण से गलत चीज खाते पीते रहते हैं, शराब पीते हैं और भी अभक्ष भक्षण करते हैं, लेकिन एक सही साथी मिला, सही ज्ञान मिला और अंदर से एक भाव जगा नहीं, और वह समझ इतनी पक्की हो गई कि अब उसे प्रलोभन दे करके नहीं बदला जा सकता है। ऐसे लोग थे जो शराब पीते थे,
बीड़ी सिगरेट पीते थे, मांस भक्षण करते थे, लेकिन जब समझ बदल गई तो क्या हो गया, अब कोई उन्हें कोई प्रलोभन दे, नहीं इसको ले लो थोड़ा से, नहीं बदलने वाला है। समझ बदल जाने पर तो पूरा आचरण ही बदल जाता है। समझ भीतर है, क्रिया बाहर है। समझ भीतर है, क्रिया बाहर है। इसको मैं थोड़ा और स्पष्ट करूं तो क्या होगा, बाहर और भीतर एक ही जीवन के दो छोर हैं। ऐसा नहीं है कि भीतर का जीवन एक जीवन भीतर और एक जीवन बाहर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वही है जो भीतर है, बस वो गुप्त है, और वही जब बाहर निकल गया, चाहे शब्दों के रूप में निकल गया, क्रिया के रूप में निकल गया, वही चीज़ है जो बाहर निकल आई है भीतर से। तो जीवन अंदर और बाहर अलग अलग नहीं है, जीवन तो एक है, और उस जीवन के दो छोर हैं, उसके फैलाव है यह भीतर तक और बाहर तक, और यह संयुक्त है और इकट्ठा है, तरलता है। जीवन एक तरलता है, एक लिक्विडिटी है, एक लहर है जो भीतर और बाहर के दोनों छोरों को छूती है, छूती रहती। जैसे नदी का पानी जब बहता है तो इस छोर में जो पानी है वही पानी उस छोर में भी है, दोनों को छू रहा है। ऐसे ही भीतर भी और बाहर भी, ये कोई अलग अलग नहीं है, दोनों छोर को छूती रहती है, और जो इन दोनों को इकट्ठा पकड़ेगा वही जीवन को, जीवन के परम उपलब्धि कर पाएगा। अंदर और बाहर अलग अलग नहीं है, अंदर है वह बाहर है, बाहर है वह अंदर है। कपड़ा बाहर है लेकिन कपड़े का चुनाव, कपड़े का चुनाव अंदर है। कपड़ा साफ है, कपड़ा गंदा है, क्यों है? साफ कपड़े पसंद करते हैं या गंदे कपड़े में राजी हैं? भीतर से ही सब होता है, ऐसा नहीं है कि कहीं अलग से आता है। एक आदमी के मकान में हम जाएं और उसके मकान को देखें परखें तो बहुत कुछ हम जान सकते हैं, क्योंकि किसी का मकान क्या है, उस आदमी का एक बड़ा शरीर है, कोई अलग नहीं है। उस मकान में हम गए, चारों तरफ गंदगी है, कुरूपता है, हम क्या मानेंगे, इसको गंदगी से परहेज नहीं है, गंदगी से परहेज नहीं है, कुरूपता में रहने के लिए राजी है, इसका विरोध नहीं है इसके प्रति, उस कुरूपता के प्रति उसका कोई विरोध नहीं है, अगलीनेस के प्रति कोई उसका विरोध नहीं है, अंदर में सौंदर्य का भाव नहीं है। लेकिन एक दूसरे आदमी के पास जाते हैं, देखते हैं उनके घर को, साफ फूल लगा है, सुगंध है, घर में एक ताजगी है, और उसके घर में दो चित्र लटके हुए हैं, पता नहीं चल जाएगा कि इसके भीतर क्या है, ये किन बातों को लेकर के राजी है, क्या पसंद कर रहा है, फूल पसंद है, और वो जो चित्र है ना वो बता देंगे, किसने टांगा है आखिर उस चित्र को, उसी आदमी ने तो चुनाव करके टांगा है। ये सारी चीजें उस आदमी के संबंध में संदेश दे रहा है, दे रही है। उसकी बाहर की जो स्थिति है वो भीतर की स्थिति को बता रही है, बता रही है। अंदर और बाहर कोई अलग अलग नहीं है। हम अपने क्रिया से मुक्त नहीं है, ये ध्यान दें, हम अपनी क्रिया से मुक्त नहीं है, और क्रिया ही हमको प्रकट करती है, हमको खोलती है। हमारी जो
अंदर है ना, उसको हम अपनी क्रियाओं के द्वारा हम बाहर चले जाते हैं। ये उदाहरण पहले भी दिया था स्वामी विवेकानंद, अमेरिका जाना चाहते थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का शरीरांत हो चुका था, आशीर्वाद के लिए माँ शारदा के पास जाते हैं। उस समय वो चौका में काम कर रही थी, जाकर क्या कहते हैं, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। क्यों जाना चाहते हो? एक प्रेम का संदेश देना है। अच्छा, तो वो जो छुरी है ना, वो छुरी जरा मुझे दे देना। आप छुरी उठा करके लाए तो वो छुरी तो वो हंस करके रख लेती है। अब उनको नहीं पता था कि इस छुरी उठाने में उस आशीर्वाद से कोई संबंध है, लेकिन जब छुरी वो रखती है मुस्कुरा करके, हंस करके, और क्या कहती है, जाओ आशीर्वाद है मेरा, तुमसे किसी का अहित नहीं होगा। तब विवेकानंद को ख्याल में आया, इस छुरी उठाने से क्या उसका कोई संबंध है? पूछा उन्होंने, छुरी उठाने से कोई संबंध है उसका? साधने का निश्चित ही, क्योंकि जो तुम करते हो उसमें तुम मौजूद हो, जो तुम करते हो उसमें तुम मौजूद हो। मैं देखती थी कि तुम छुरी की फलक मेरी तरफ करते हो या खुद पकड़ते हो, क्योंकि जिस आदमी के मन में प्रेम है वह छुरी फलक खुद पकड़ेगा, और उसका जो दूसरा छोर है, जो उसका बेंट है, डंडा है, वो दूसरे को, क्यों, उसको लगेगा कि इससे किसी को चोट न लग जाए सामने वाले को। अभी हैरानी की बात है, हम सबको कोई छुरी मांगे तो हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी को पकड़ते हैं, फलक को सामने कर देते हैं, न हमें ख्याल आता है न सामने वाले को ख्याल आता है। लेकिन ये सारी छोटी छोटी क्रियाएं, सारे छोटे कृत्य, वह हमसे ही निकलते हैं, वहां हम पूरी तरह से मौजूद होते हैं, उसमें जरा सा भी हिस्सा पीछे नहीं रह जाता है। आंख का छोटा सा इशारा या हाथ का गिरना उठना, वहां हम पूरी तरह से मौजूद हैं। हमारा सब छोटा छोटा काम भी हमारे व्यक्तित्व को समाहित रखता है। इसलिए बाहर क्या भीतर क्या, समझ है जो हमारा भीतर में विचार है, बस वही बाहर निकलता है। हम जब शब्द बोलते हैं तो शब्द के साथ अपने को हम बाहर फेंकते हैं, कोई क्रिया करते हैं तो उस क्रिया के क्रिया में ही हम मौजूद होते हैं, अलग नहीं होते हैं। एक जगह है जहां पर झाड़ू किसी ने लगाई, और झाड़ू इतनी कायदे से उसने लगाई है, सब साफ नीट क्लीन एकदम। अब वो मौजूद है वहां उस क्रिया में, काम को कितने बेहतर तरीके से करें वो वहां मौजूद है, उसका काम बताएगा उसको। एक दूसरा झाड़ू लगाया, जगह जगह धूल है, कचड़े हैं, रेखा है, छोड़ता चला गया, वहां भी वो मौजूद है, वहां वो मौजूद है। हम कैसे अलग कर सकते हैं अपने को? हम अपने कर्मों में मौजूद रहते हैं, हम अपने शब्दों में मौजूद रहते हैं, और ये कैसे होते हैं? मैंने कहा समझ, ये हमारी समझ। जीवन कोई ऐसी चीज एकदम नहीं है कि उसको एकदम से बाहर कह दें, एकदम से भीतर कर दें, ये दोनों एकदम जुड़े हुए हैं। बाहर का संसार हमारा हमारे अंदर के संसार का ही प्रतिबिंब है, कोई अलग नहीं है। हमारे जीने की शैली को देखकर, हमारी वस्तुओं के रखरखाव को देखकर, हमारे घर द्वार को देखकर, खान पीन के ढंग को देखकर, हमारे मानसिक स्थिति का बहुत कुछ मूल्यांकन किया जा सकता है।
इसलिए यदि परिवर्तन करना है तो कर्मों में नहीं करना है, शब्दों में नहीं करना है, भीतर करना है। भीतर से हम सही होते चले जाएंगे, बाहर तो अपने आप सही होता चला जाएगा। तथागत बुद्ध कहते हैं ये समझ ही है। जो मनुष्य असार को सार मानता है और सार को असार के रूप में देखता है, वह मिथ्या विचारों में डूबा व्यक्ति सार नहीं पा सकता, सत्य को उपलब्ध नहीं हो सकता। लेकिन जो सार को सार जानता है और असार को असार, वह सम्यक संकल्प वाला व्यक्ति सार प्राप्त करता है। यदि हम सत्य को उपलब्ध होना चाहते हैं, सत्य का अनुभव करना चाहते हैं, तो सम्यक दृष्टि, सही समझ अपने भीतर लाएं, और वह सही समझ ही हमारे जीवन में परिवर्तन लाने में कारण बनेंगे।